Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru.
ਭਾਰਤ ਵੇਲਾ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਉੱਠ ਕੇ Thank you.
Amar te vela jinde
ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਗੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਭੋਗੀ ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਤਸਕਰ ਜਾਗੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਤਸਕਰ ਜਾਗੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗੇ ਨਿੱਤ ਇੱਕ ਵਡੇਦੀ ਆਰ ਜਾ ਦੂਜਾ ਸਹਿਬ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਧਰਮਾਂ ਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਖੋ ਵਾਹਿ ਸੰਦੇ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਧਰਮੋਂ ਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਗਿਆ ਆਖੋ ਵਾਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਇਸੇ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਚਰਜ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਓ ਕਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਲੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਓ ਕਾ ਅਵਤਾਰ ਆਗਮਨ ਕਾ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਥਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੇ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਜਾਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰ ਹਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲੋ ਹਮਾਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ ਹਮਾਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਮਰ ਦੁਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਦ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਡੀਕ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਇਸਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਆਖੋ ਆਏ ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਿਨ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋ ਦਾ ਜੋ ਜਾਗਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅਗਰ ਹਮ ਹੀ ਸੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਕੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਵਾਣੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਹਮ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣੀ ਗੁਰੂ ਸੇ ਵਰ ਘਰ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਮਕਾਨ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਏਕ ਹੀ ਤੂਨੇ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਕ ਹੀ ਤੂਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਖੋ ਇਤਨਾ ਸਮਝ ਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਆਖੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਜੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ
बाबा जी ने खैर खा पूछी वो रोने लग पड़ा कहता बाबा जी बड़ा ही माड़ा समा चल गया। मां पूछ कहते क्या हुआ कहता सच्चे पातशाह एक दुख हो तो बताओ दुखों से भरा पड़ा हुआ क्या। पहली बात उसने बताई कर्जा ही हो गया हूं कर्जा चढ़ गया दुकान पे ग्राहकों ने आना ही बंद कर दिया। पता नहीं क्या हुआ है कि कोई दुकान पे चढ़ता ही नहीं कोई ग्राहक। अब ग्राहक नहीं होगा तो माया नहीं आएगी सौदा नहीं बिकेगा। महाराज कर्जे पे कर्जा 6 महीनों से चढ़ रखा है। अब मांगने वाले दरवाजा खड़काते हैं मैं मुंह नहीं दिखा पाता पैसे कहां से। एक दुख तो ये है बाबा जी कहते और कहता जी दूसरा दुख ये है कि घर में बीमारियों ने डेरा ला दिया। आखो सारे आखो जी डेरा समझ। जैसे हम कहीं जाते हैं 2 दिन के लिए लेकिन वहां से निकले ही ना तो डेरा लग गया। आखो किसी जगह पे कब्जे कर लिया वहां पे रहने लग पड़े इसको बोलते हैं डेरा लग। कहता दूसरा दुख बाबा जी ऐसे जैसे घर में हर कोई बीमार है। एक बंदे को कोई दुख रोग बीमारी हुई कोई रोग लग गया अगर उसको 3 महीने बाद वो ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। आखो अगर उसकी दवादारी करता हूं दवादार हो तो तीसरे को कोई ना कोई रोग लग गया। एक से छुटकारा होता है दूसरे का दुख आ जाता है। ऐसा लगता है बीमारियों ने घर पे अड्डा जमा लिया डेरा ही लगा। बाबा जी कहते और तो बस इतना ही कहना नहीं जी अभी और है और क्या। कहता घर में हम पशु रखते हैं जो गांव वाले लोग होते हैं ना वो पशुओं से बड़ा प्यार करते हैं। तो बाबा जी के समय आजकल तो हम बाजार में सब कुछ पैकिंग का जमाना आ गया पहले ऐसे नहीं होता था। घर में तकरीबन गांव के हर घर में गायें बैल मझ होती दूध अपना निकालते। कहता बाबा जी बंदे तो रोगी हैं ही हैं घर के सारे मेंबर एक एक करके मेरे पशु भी मरते जा रहे हैं। आखो सारे आखो जी। मान लो 2 गायें रखी पहले 2 मरी दोबारा 1-2 लेके आए फिर वो मर गई करते करते कहता बाबा जी 22 पशु मर गए। आखो भाई सारे आखो जी। बाबा जी ऐसा लगता है हर तरफ से दुखों ने घेरा डाला हुआ है ना दुकान पे गाग ना माया का ना घर में सब बुखार बीमार रोगी बन गए एक एक करके 22 पशु मर गए। मां पुरुषो मुझे तो ऐसे लगता है जब इतना सारा कुछ हो गया ना हर बंदे का सवाल पता चलता है हमें तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई किया कराया। आखो बाबा जी किसी ने जादू तो ना कर महापुरुष हंस पड़े। अब समझना बात महापुरुष कहते कोई कुछ नहीं करता कराता ये जो दुख सारे तरफों से जो दुख आए है ना इसका एक ही मोटा मोटा कारण है पुण्य खत्म हो गए ने ते पाप कट्ठे हो गए। जब पाप कट्ठे हो जाए फिर दुख आते ही आते। बाबा जी कहते बाबा जी फिर क्या करूं। बाबा जी ने जवाब दिया कहते पुन बना पुन कट्ठे कर। बाबा जी वो कैसे करूं महापुरुष कहते संगत करया कर बाणी पढ़िया कर नाम जपया कर तेरे पुन बनन गे। रहना सामने पढ़ते हो ना कल मैं एहो उन गुण गोविंद गाए। आखो संगत में बैठे हो ऊपर से अमृत वेले का समय ये उन कट्ठे हो रहे हैं
ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਪਾਣੀ ਪੜੋ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਇਸੇ ਗੁਣ ਬਣਤੇ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਨਿਹਾਲ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋ ਸਭੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰ ਬਾਣੀ ਪੜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਬਤਾਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੋਰਟਕਟ ਬਤਾਓ ਜਿਸਸੇ ਸਪੀਡੋ ਮੇ ਪੁੰਨ ਬਣੇ ਆਖੋ ਇਹ ਤੋ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਮ ਬਤਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਸਪੀਡੋ ਸੇ ਪੁੰਨ ਬਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ बताने को तो बता देंगे लेकिन तभी बताएंगे अगर तू मानेगा आखो कई जन क्या करते हैं दवा ले तो आते हैं डॉक्टर के पास से लेकिन खाते नहीं है आखो अब आप खुद बताओ हम दवाई ले आए खाए ना राजी कैसे हो कहता बाबा जी कोई ऐसा काम बताओ जिससे स्पीडों से कौन बने तो संजय जी ख्याल करना बाबा जी कहते तभी बताएंगे पहले अगर वचन कर मनेगा कहता जी मानूंगा तो महापुरुषों ने फिर बताया कहते फिर एक काम कर 2 बजे उठना पड़ेगा आखो सारे आखो जी 2 बजे उठ पड़ेगा कहता जी उठ जाऊंगा महापुरुष कहते 2 बजे उठने 2 बजे उठ के पहले स्नान करना है फिर नितनेम करना है वाणी पढ़नी जपजी साहिब फिर अपना नितनेम करने के बाद मान लो 2 बजे उठे 10-15 मिनट स्नान किया महापुरुष कहते अद्धा पौना घंटा घंटा आप वाणी पढ़नी फिर महापुरुष कहते फिर एक टल्ली ले लेनी है पहले समय में होता था ना कि घंटी होती थी टल के रूम में और थोड़ी से बजाते थे पापा जी कहते वो टल ले लेना है थोड़ी पकड़ लेनी है टल के साथ तो गांव की जितनी गलियां है ना गलियां कहता जी हाँ मां पुरुषों ने देखो उपाय क्या बताया 2 बजे उठ के स्नान करके पहले आप पानी पड़नी है फिर एक टल लेकर हथौड़ी के साथ गली गली में ये हुक्का देना है ये आवाज देनी है जैसे सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार कहते हैं ना जागते रहो हमारे वहां पे तो महापुरुष कहते तूने गली गली में हुक्का देना है वो हुक्का पता क्या देना है उठ जाग सवेरे जी कहते ये हुक्का ये आवाज तुझे सारे गांव में गली गली में घूमने और ये जगाना है लोगों को अब ये छोटी बात नहीं है आखो हर बंदा चक जाता है कि लोग की कहेंगे आखो जन नानक धूल मंगे गुस्सा ने ये दिया अभी गली गली में हुक्का दे रहे उससे क्या होता था ये आवाज लगाते उठ जाग सवेरे जी कोई झाका नहीं कीता कोई शर्माया नहीं भी लोग क्या कहेंगे
कि लोक लाज को मारना ही अपने आप में बड़ा काम है। आखो अब क्या होता था जो गांव के लोग ना वो छिड़की सो जाते हैं 7-8 बजे या 9 बजे तक तो गांव के लोग सो जाते थे। अब अगर वो 3 बजे कोई बाहर से आवाज आती है उठ जा सवेरे भी जिसकी जा खुल गई जिसके कानों में आवाज पड़ी जा खुल गई अब उठ के बैठ जाता दोबारा नींद नहीं आनी क्योंकि नींद पूरी हो चुकी होती है। आखो कोई 8-9 बजे सो जाए फिर 2-3 बजे अपने आप सुबह उठ पड़ेगा कि नींद पूरी हो गई है। अब जिसकी जा खुल जाती थी वो 10-15 मिनट तो लेटा रहता है वो आलस होता है। आखो नींद खुल गई है लेकिन हम उठे ना वो आलस। अब सुने हो जा खुल जानी दूजे दिन तीजे दिन ते चौथे दिन लोगों ने पता क्या सोचना ये रोज आवाज देता है उठते पड़े ही है बाद में नींद तो आती नहीं है पास ही लेते रह जाते हैं चल मना उठ स्नान करिए। आखो अब जिसने उठना किसी ने घर में ही पानी पड़नी शुरू कर देनी किसी ने गुरुद्वारे चले जाना किसी ने घर पे नित्रे शुरू कर देना कोई कोई अपने पास वाले गुरुद्वारे में जा रहे हैं। अब जो लोग सुबह इसकी वजह से उठ रहे हैं कोई वाणी पढ़ रहे हैं कोई गुरुद्वारे जा रहे हैं तो उसका 10वां हिस्सा इसके खाते में लगने पड़ गया। आखो सारे आखो जी बाबा जी के बचन ने तोड़न वर्गा पाप नहीं ते किसी नु जोड़ देना गुरु नानक नाल इसके जैसा पुण्य कोई नहीं है। आखो किसी को गुरु नानक के चरणों में जोड़ देना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है और वो जब वाणी पड़ेगा उसके पड़ी हुई वाणी से भी कुछ हिस्सा तेरे खाते में जुड़ता जाएगा। और संगत जी इतनी स्पीडों से पुण्य बने इतनी स्पीडों से पुण्य बने और पुण्य बनते ही क्या हुआ दुख जाने लग पड़े सुख आने लग पड़े। आखो सारे आखो जी बीमारियां खत्म हो घर के मेंबर सारे राजी शुरू हो गए पशुओं का मरना बंद हो गया दुकान पे गाहकों की लाइनें लग गई। आखो क्योंकि याद रखना हमारी दुकान में ग्राहक तेरी सियानप से नहीं आते तेरे पिछले पुण्यों के सदके आते हैं। आखो पिछला जब तक हो पिछले कर्म अच्छे हो पुण्य कट्ठे हो ग्राहक तब आते हैं। अब ग्राहक आने लग गए तो माया आ गई तो कर्जे उतर गए कहने का भाव कुछ ही दिनों में कहते सब कुछ राजी हो गया सब कुछ सही हो गया। अब इस परिवार का नाम पता क्या पड़ गया टल्ली वाला परिवार। आखो ये टल्ली बजाकर लोगों को उठाते लोगों ने इनको टल्ली वाला परिवार कहना शुरू कर दिया। और संगत जी आज ये सारा परिवार हमने 3 साल पहले ये कथा लगाई और आजकल आपको पता लाइव का जमाना है बुज्जो साहब नानक सर बुज्जो में जब ये मैंने बाबा नानक सिंह जी की जन्म दिहाड़े वाले दिन कथा लगाई ना तो संजय जी ये कथा इंग्लैंड वालों ने सुन ली। आखो और वो सारा परिवार जिनको टल्ली वाला परिवार कहते ना वो सारा परिवार ना लंदन में बैठा है। आखो इंग्लैंड में सबने दिया दे लिए पर कहते वो लोग कहते आज भी हमारे परिवार को 60-70 साल हो गए उनके साथ जो बीता कहते आज भी हमारे परिवार को टल्ली वाला परिवार कहते हैं। हम सारे लंदन में आ गए हैं लेकिन वो गांव वाला घर नहीं छोड़ा हमारे मेंबरों में से 3 महीने वहां पे कोई ना कोई रहता है। आखो सारे लंदन आ गए हैं लेकिन एक तो मेंबर घर का वहां पे 3 महीने रहता है। क्यों रहता है क्योंकि आज भी उन गलियों में वो हुक्का देते हैं उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन का मेला उठ जाग मना तेरे नाम जपन का मेला। कहते आज भी एक मेंबर 3 महीने के लिए इंडिया में रहता है उस गांव में गलियों में होता देता है। क्यों
क्योंकि महापुरुषों ने हमें जो सेवा लगाई थी आज जो कुछ हमें मिला उस सेवा के सदके मिला है। आखो तीन महीने बाद वो मेंबर लंदन आ जाता है, दूसरा कोई चला जाता है, क्योंकि वो सेवा नहीं छोड़ रही, इस सेवा के सदके सब कुछ मिले है। आखो सारे आखो जी, कहने को भाव जो मिला अमृत वेले जागने से मिला। आखो जो मिला अमृत वेले दूसरों को जगाने में मिला, खुद भी जागने और दूसरों को भी प्रेरणा दो भाई, फिर सारियां बख्शिशां आ जाती हैं। आओ अपने मन को समझाएं और समाप्ति करें। क्या लागे उठे Why?